For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Chal ghar chale mere hamdam. ये सुनने में जितना प्लेन लग रहा है मेरी आवाज़ में उससे हज़ार गुना ज़्यादा इफेक्टिव है अरिजीत सिंह की आवाज़ में. यस वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज़ अड्डा. दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक. चल घर चले मेरे हमदम, ये गाना फिल्म मलंग से कल रिलीज़ होने वाला है जिसका टीज़र आउट हो चुका है आज. और आई मस्ट से टीज़र देखने के बाद दिस इज़ गोइंग टू बी, जैसे यू नो बहुत ऐसे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहाँ पर पहले पछताओगे सॉन्ग आया, हम सब दर्द में डूब गए, फिर बेख्याली सॉन्ग, फिर फिलहाल सॉन्ग, ये दिस सॉन्ग इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ गोइंग टू हिट द चार्ट नंबर्स बिकॉज ये गाना फुल ऑन अरिजीत मोड है. अब एक नया मोड शुरू हो गया जो कि है अरिजीत मोड. जब आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो, आपकी रूह अंदर से यू नो ऐसे ये हो जाती है कि वाओ व्हाट अ सॉन्ग. वैसा ही ये गाना है. ओरिजिनल म्यूज़िक है, मिथुन ने ऑफकोर्स कंपोज़ किया है, अरिजीत सिंह की मधुर आवाज़ है. और ऐसा गाना शायद बहुत लंबे अरसे में एक ऐसा गाना आता है जो दिल को छू जाता है. इसकी धुन बिल्कुल वैसी है. आप टीज़र ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी. ऑफकोर्स आदित्य रॉय कपूर और साथ ही साथ दिशा पाटनी इस गाने में नज़र आ रहे हैं. एक सैड फील देता हुआ ये गाना है. सैड तो नहीं बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जोन में ये गाना है और वही चीज़ हमें इसमें नज़र आ रही है टीज़र में. कल जब गाना आएगा तब एक्चुअल में पता चलेगा कि कैसा है. लेकिन हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट हिट नंबर व्हेन इट कम्स टू अरिजीत सिंह डेफिनेटली. और फिल्म जो है 7 फेब को रिलीज़ हो रही है. हाल ही में ट्रेलर आया था मलंग का जिसको ऑडियंस ने बेतहाशा प्यार दिया है. बहुत ही पसंद आ रहा है ऑडियंस को ट्रेलर क्योंकि बहुत ही क्यूरोसिटी जनरेट कर रहा है ये ट्रेलर. पता नहीं चल रहा है कौन टेढ़ा है ज़रा सा और कौन फिल्म में सीधा साधा और हीरो और हीरोइन है. हालाँकि फिल्म की स्टोरी जो है वो बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी लग रही है. कंफ्यूजिंग एज इन ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलती हुई स्टोरी है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बड़ा मज़ा आएगा ये फिल्म देखकर. मोहित सूरी ने फिल्म डायरेक्ट की है तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा देखकर. और साथ ही साथ जब ऐसे कलाकार हैं आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा पाटनी, कुणाल खेमू, ऐसे तमाम स्टारकास्ट है तो देखना वाकई दिलचस्प होगा. तो मुझे बड़ा ही पसंद आया टीज़र. वेरी मच एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग कल क्या आने वाला है बिकॉज सुनते ही ज़रा सा आप इमोशनल हो जाओगे क्योंकि मैं तो हो गई हूँ. तो मुझे बड़ा पसंद आया. चल घर चले मेरे हमदम, मेरे हम सफ़र. आप बताइए आपको कितना पसंद आया. दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.